सरकार को जनादेश दिया था, परंतु कतिपय राजनीतिक कारणों से सरकार को तीन तीन बार पूर्व में विश्वास मत हासिल करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि पंचम विधानसभा समाप्ति की ओर है और कुछ ही दिन शेष है, तब चौथी बार ऐसी स्थिति हम लोगों के समक्ष है जब विश्वास मत के लिए यह विशेष सत्र आहूत की गई है। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में अंतिम संप्रभु राज्य की जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदन का विश्वास मंत्री परिषद में अपरिहार्य है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज सदन में हमने यह प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस पर वाद विवाद भी चल रहा है और इससे पहले भी जब आदरणीय चंपेश्वरी जी ने विश्वास मत लिया था, हटे ना यार, हटे ना। अरे बैठिए ना अध्यक्ष महोदय, सदन नेता का बात हो रहा है। मान्य सदस्य, आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, पूरा सुनो जी, अध्यक्ष महोदय सुनो जी, आप लोग बैठिए। ये ऐसे ही आचरण करेंगे? सुनो जी, सुनो जी, बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री, आप लोग बैठिए ना यार, बैठिए ना, चलिए। अनु जी, आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी है, चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलेंगे तो चलेगा? मान्य नेता तो जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाएं वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया,
नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय मान्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाएं।